स वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल चैरिट्स एंड दिस वीडियो आई मेड फॉर ऑल माय लवली व्यवर्स हु वांटेड टू नो दैट हु इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई कौन आपके बारे में सोच रहा है बार बार और क्यों सोच रहा है लेट्स सी आपके सामने यहाँ पे थ्री ब्रेसलेट्स हैं ग्रीन येलो ऑरेंज ठीक है ऑरेंजिश रेडिश आप इस, इसको कलर कर सकते हैं तो ये क्रिस्टल्स हैं और ये ब्रेसलेट्स के फॉर्म में हैं आप इसमें से कोई भी आपको जो अच्छा लग रहा हो आपकी इंट्यूशन आपके अंतर की आत्मा कह रही हो कि हाँ ये मुझे ये चूज करना चाहिए आपकी इंट्यूशन पावर इस वक्त क्या कह रही है वो चूज कर लीजिए अपनी आंखें बंद करके आराम से रिलैक्सड होके वीडियो को पॉज करके भी आप आराम से चूज करिएगा ताकि आपको करेक्ट मैसेज मिल सके कि एक्चुअली में डिवाइन एनर्जीज आपको क्या मैसेज करना चाह रहे हैं कि कौन जन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों सोच रहा है सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्रेसलेट मैं सबसे पहले ग्रीन कलर को ले रही हूं और ग्रीन कलर का ब्रेसलेट जिन लोगों ने चूज किया है लेट सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं कौन जना आपके बारे में सोच रहा है किस तरह का व्यक्ति है वो ताकि आप उसको पहचान सकें यहाँ पे जो मैसेज है ये जो व्यक्ति है इसमें आप लोगों के लिए ये व्यक्ति बहुत ही आ, आप ही कह सकते हैं कि बहुत आ, बहुत ही लव्ड ऑफ प्राउड फील करता है ये इसमें ये मैसेज आ रहा है और अपनी किस्मत की चाबी आजमाने की पूरी कोशिश करता है मतलब कि वह ढूंढ रहा है कि किस तरीके से मैं अपनी किस्मत को आजमाऊँ ये इसकी क्वालिटी दिखा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी उसको बहुत अच्छी लगती है इस इंसान को और ये जो इंसान है यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है कि ये एक्चुअली में जैसे कि मैंने बताया ना कि ये शौकिया है थोड़ा सा लग्जरियस चीज़ों को बहुत पसंद करता है और चाहता है कि मेरी पास्ट लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब के सब सॉल्व हो जाए और मतलब जो भी उसने सफ़र किया होगा लाइफ में अपने वो चाहता है कि सब कुछ सॉल्व हो जाए और पिछला जो उसकी ख़राब चीज़ें थी वो वापस इसको ना मिले या अपने उसकी नई ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट ना करें और ये ये भी चाहता है ये जो कोई भी व्यक्ति है कि इसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपना अंदर जागृत करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है इसके लिए इसको किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी चीज़ें अपने पास्ट में ये सेक्रीफाइस कर चुका है और अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करा कराने के लिए कुछ भी कर सकता है प्राउड ही है थोड़ा सा नो डाउट बहुत ही मतलब नेगेटिव वे में नहीं कहेंगे इसको uh, आप कह सकते हैं कि कभी कभी ये अहंकारी हो जाता है आप मतलब अपने आगे किसी को समझना नहीं है ये इससे मैसेज आ रहा है लेकिन फिर भी इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा ये जो कोई भी व्यक्ति है ये बहुत ही लविंग और केयरिंग भी है इसमें ये भी मैसेज है लेट सी कौन सा इससे मैसेज आप लोगों के लिए है कौन सा व्यक्ति आपके लिए जिन लोगों ने ब्लफ्टेट ग्रीन को चुना है ये व्यक्ति यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा बीमार चल रहा है इसको ये, आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है और डॉक्टर की निगरानी में है और बराबर चेकअप इसका होता रहता है इसमें एक मैसेज आ रहा है और कुछ थोड़ी सी इसकी बैड हेल्थ भी है इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें दिख रही है और लेकिन यह है कि लाइफ की लग्जरियस चीज़ों को चाहता तो बहुत है लेकिन मुझे लगता है इसको मिल नहीं पा रही है शौकिया बहुत है और यहाँ पे भी मैसेज है कि कोर्ट कचहरी में कहीं फंसा हुआ है केसेस में फंसा हुआ है ये व्यक्ति और ये व्यक्ति जो है बहुत ही चाहता है कि मेरी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इनकम कहीं से आ जाए एकदम से इनकम कहीं से आ जाए मेरे पास और जो है मैं आ, मतलब खुश हो जाऊं किसी तरीके से मुझे कहीं से पैसा मिल जाए कहीं से अचानक से जैसे लॉटरी लग जाना और इसको एक यहाँ पे मैसेज आ, आ रहा है कि इसको एक फीमेल की भी तलाश है और ये बहुत ही जैसे मैंने बोला ना कि आ, बहुत ही ऑफिशियल पर्सन है किसी एडमिनिस्ट्रेशन में होगा हो ये या किसी गवर्नमेंट में उसमें जॉब में दिख रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन में या शासन प्रशासन में कहीं बैठा हुआ इंसान है ये और नहीं है तो एटलीस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है कहीं ना कहीं सेमी गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है सेमी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जॉब भी होती है उसमें भी हो सकता है और ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज करना चाह रहा है आपको इससे यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है अब मैं इसका पर्पस देख लेती हूँ कि ये एक्चुअली में आपको क्यों याद कर रहा है क्या इसमें देखते हैं क्या मैसेज है ये व्यक्ति आपको क्यों याद कर रहा है मैसेज करना चाह रहा है ये आपको ये व्यक्ति इस वक्त आपको इसलिए याद कर रहा है क्योंकि ये चाहता है कि आप और उसका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़े आ, मुझे नहीं मालूम किस तरीके से लेकिन ये चाहता है कि जरूरी नहीं कि लव अफेयर ही हो लेकिन हो सकता है कि ऑफिशियल बात भी हो सकती है कोई ऑफिस का कोई हो या कोई ऐसा बाहर कोई नेबरहुड में या रिश्तेदारी में कोई बात है जो आप दोनों के बीच में हुई है और ये चाहता है कि हम दोनों का जो आ, आगे बात बढ़नी चाहिए हम दोनों की मतलब एक रिलेशनशिप आगे बात बढ़नी चाहिए जो भी बातचीत हुई हो ये व्यक्ति का पर्पस एक ये भी है जो आपके बारे में ये सोच रहा है कि ये चाहता है कि हम दोनों के बीच में यानी कि आप और उसके बीच की जो पुरानी बातें हैं पास्ट में वो सब खत्म हो जाए वो सब जो है वो क्लियर हो जाए और चाहता है कि आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा हो उसको हम लोग हील करें और इसका पर्पस यहाँ पे भी दिख रहा है कि चाहता है कि वो उसके ऊपर ब्लेसिंग्स आए मतलब वो आपका साथ चाह रहा है कहीं ना कहीं तो उसको लगेगा जैसे कि ऊपर वाले ने आ, उस आ, आपने अगर उसका हाथ पकड़ लिया तो उसको लगेगा जैसे कि मैं ब्लेस्ड हूँ ईश्वर से मेरे मेरे ऊपर कृपा है ये इसकी फीलिंग यहाँ जाहिर हो रही है और यहाँ पे भी मैसेज है कि वो व्यक्ति इसका पर्पज़ एक और चीज़ में आ रही है कि अगर आपने उसका हाथ थाम लिया या अपने आगे की बात बढ़ाई अगर आपने तो वो बहुत खुश होगा इतना खुश होगा कि खुशी के मारे उछल पड़ेगा आप बस उससे अपनी दिल की बात कह दीजिए जा करके जो कोई भी है यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है आपको जो भी अच्छा लगता हो उससे कहना बिल्कुल अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की कोशिश करिए क्योंकि ये व्यक्ति बहुत पॉजिटिव ले करके आप लोग आपको ले चल रहा है और ये कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा है कि पॉजिटिव सोच रहा है कि सब कुछ पॉसिबल है आप और उसके बीच के रिलेशनशिप जो है वो पॉसिबल है पॉसिबिलिटी है और चाहता है कि सब कुछ हील हो जाए जो भी हील हीलिंग का देखिए मतलब होता है ना कि कहीं इंजरी हो जाए कुछ चोट लग जाए तो आप हील करेंगे ना उसको रिलेशनशिप को वो हीलिंग भी चाह रहा है कहीं ना कहीं आपसे कहीं ना कहीं आपसे बातचीत करना चाह रहा है कुछ पुराना हुआ वो कुछ बातचीत हुई होगी तो जो बिगड़ी हुई चीज़ होती है उसको कही कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश कर रहे हैं इसका पर्पस यहाँ यही दिख रहा है लव हैप्पीनेस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड जाना और हीलिंग और पुराने जैसे होता है ना कई लोग पुरानी बातें छोड़ो क्या करना है उसका एटीट्यूड ही यहाँ पर दिख रहा है अगर आप उससे बातचीत करेंगे तो उस, आ, उसके मन में जरूर ये चल रहा होगा कि पुरानी बातें छोड़ो और नई शुरुआत करते हैं नए तरीके से बातचीत करते हैं हील करते हैं प्रेजेंट को आने वाले समय को हम कैसे हील करेंगे अपने आप को ये Uh, जो है यहाँ पे इसका पर्पस दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट हो सकता है वो जरूर दे uh, उसके मन में यहाँ पे मंशा यहाँ है यहाँ पे यही दिख रही है तो आई थिंक द मैसेज इज वेरी क्लियर द पर्सन हु इज थिंकिंग अबाउट यू वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है क्यों सोच रहा है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा लेट्स विद द सेकेंड ब्रेसलेट एंड द सेकेंड ब्रेसलेट पीपल आई वेलकम यू सो लेट्स विद द सेकेंड ब्रेसलेट चूज इन दिस वन आपने अगर येलो कलर का ये चूज किया है देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज आ रहा है और डिवाइन एनर्जी क्या मैसेज कर रहे हैं कौन व्यक्ति है जो आपके बारे में सोच रहा है और क्यों पहले तो पहचानेंगे कि इसमें मैं देखना चाहूँगी कि वो व्यक्ति है कौन एक्चुअली में और वो कैसे पहचाना जा सकता है बस मैं देखूँ मैं इसको मैं किनारे कर दे रही हूँ आ, इस ये यहाँ पे जो व्यक्ति है जो आपके बारे में सोच रहा है यहाँ यहाँ बहुत क्लियर है कि आ, ये व्यक्ति बहुत घुल्ले मिलने वाला है आप ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी घुल मिल जाता है थोड़ा हो सकता है कि बहुत सोशल हो बातुनी बहुत हो और और यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है कि ये बहुत ही शांति से रहने वाला इंसान है मतलब इस मान लीजिए कि बातुनी है सोशल है और शांति से रहने वाला है बहुत ज़्यादा उसको लड़ाई झगड़ा इश्यूज़ ये सब नहीं पसंद है उसको बहुत शांति से रहना चाहता है और अपने चाहता है कि मेरा जो ज़िंदगी में प्यार है वो और बढ़े जिस किसी को ये चाहता है या आप यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारा ये प्यार चाहता है और इसमें भी मैसेज है कि पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है इसके साथ ये बहुत ही शांति के साथ जो है उस चीज़ को सॉल्व करना चाहता है वो भी बहुत ही प्यार से ये एक तरीके से इसका पर्पस भी दिखा रहा है और ये ऐसा इसकी क्वालिटी भी दिखा रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ होगा उसको बहुत ही प्यार से जो है वो समझाने की कोशिश करना या सॉल्व करने की कोशिश करना चाहता है और आप ये कह सकते हैं कि प्रेम का भूखा है आप ये कह सकते हैं और यहाँ ये मैसेज है कि ये आ, कई बार ऐसा होता है कि अपनी सारी चीजें ये दे देता है भले ही इसके पास कुछ बचे ना ना बचे तो ये चीज से मैसेज आ रही है कि ये व्यक्ति ऐसा है कि आ, खुले दिल से कभी कभी तो बिल्कुल एकदम छप्पड़ मार के दे देगा और नहीं तो बिल्कुल एकदम चुपचाप बैठ जाएगा इसमें ये भी मैसेज है कि और जब देता है ये व्यक्ति किसी की हेल्प या सपोर्ट करता है तो ये नहीं देख पाता कि उसके खुद के पास कितनी कमी हो जा रही है इसको ये ख्याल नहीं रहता एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं कही लापरवाही भी कर देता है किसी को हेल्प सपोर्ट देने में मान लीजिए उसके पास अगर अगर उसके पास दस चीज़ें हैं तो वो छ छः चीज़ें दे, दे देगा अपनी और बच्चे जो उसके पास चार चीज़ें हैं उस उससे को उसको कोई वो नहीं है कि परवाह हो या बहुत चिंता हो रही हो कि मेरे पास चार बचा है तो अगले दिनों केवल दो ही दे दें तो मेरे पास आठ बच जाएंगे नहीं इसका यह है कि क्योंकि मैंने बताया ना ये सोशल बहुत है लोगों से मिलता जुलता बहुत ज़्यादा है आपके साथ पास्ट में जो भी इसके साथ हुआ है इसको बहुत ही प्यार से इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश ये करना चाहता है और यहाँ ये भी मैसेज है कि ये बहुत ही डे ड्रीमिंग भी करता है सोचता बहुत है इसके दिमाग में हर समय कुछन, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ओवर थिंकिंग करता है कभी 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 तो अपना समय ही बर्बाद कर देता है ये सोचते सोचते कि जो है मैं ऐसे कर लेता मैं वैसे कर लेता या मैं ऐसे कर लेती या मैं वैसे कर लेती इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा जो जा है इस व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी ड्रीम्स को ये पूरी कर ले कुछ एक आध ड्रीम्स को ये पूरी करना चाहता है कुछ सपना है इसका जिसको ये पूरा करना चाहता है मैं इसमें और देख लेती हूँ कि इसको और कैसे पहचाना जा सकता है इस व्यक्ति को ये व्यक्ति घूमने फिरने का बहुत शौकीन है लवर्स का कार्ड है व्यक्ति आपसे प्यार चाहता है यहाँ पर्पस भी उसका दिख रहा है कहीं ना कहीं उसको प्रेम की तलाश भी है मैं इसमें देख भी रहती हूँ कि यह व्यक्ति आपको चाहता है क्या इस पर एक बार मैं देख लूँगी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने ऑक्यूपेशन को पढ़ाने के लिए कहीं नौकरी पाने के लिए भी इच्छुक है अगर इसको बहुत अच्छी अगर नौकरी कहीं मिल गई तो ये बिल्कुल चांस नहीं छोड़ेगा और बहुत मेहनत कर रहा है इस वक्त मेरी इनकम बढ़ जाए मैंने बताया ना कि ये जैसे कि दोस्तों में अपनी चीज़ें बांट देता है या कह देता है अपनी बात तो प्यार के चक्कर में और उसको लगता है कि लोग मुझको और प्यार देंगे और मुझको रेस्पेक्ट देंगे उस चक्कर में लेकिन अपने लिए ये जो है बहुत जद्दोजहद कर रहा है प्रेम चाहता है बहुत ज़्यादा घूमना फिरने का उसको बहुत शौक है लेकिन जा नहीं पा रहा है उसको फॉरेन में घूमने का उसको बहुत है और यहाँ ये भी मैसेज है कि ये बहुत ही बन ठन के रहना चाहता है जैसे कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही कॉन्फिडेंट वेरी लग्जरियस ये सब चीज़ें हैं लेकिन क्या है ये फंसा हुआ है पूरी तरीके से कहीं जैसे होता है ना कि थक हार गया है इसके पास हो सकता है इसके पेट हो या इसका पेट पालने का मन बहुत होता होगा इसको जो है डॉग्स बहुत पसंद आते हैं इसको और हो सकता है हो भी अगर नहीं है तो देट मीन्स इसको कहीं ना कहीं तकलीफ़ है कि मेरे पास उतना प्रचुर मात्रा में धन नहीं है और अपनी ज़िंदगी से कहीं परेशान हो चुका है कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया ना कि ये लवर को ढूंढ रहा है परेशान है ये अब मैं इसमें पर्पज़ ढूंढ लेती हूँ कि इसमें लेट्स सी इससे क्या पर्पज़ है क्यों सोच रहा है ये आपके बारे में क्यों सोच रहा है इसमें अभी मुझे पता चल ही जाएगा क्योंकि लवर्स का कार्ड है तो दैट मीन्स कि ये व्यक्ति कोई ऐसा है जो आपके बारे में हो सकता है सोचता हो कि इसका पर्पस यहाँ दिख रहा है जो आ, आ, मैं देख पा रही हूँ इसका पर्पस ये यह है यहाँ पे कि आपसे कांटेक्ट करने के लिए ये आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि आप जो एनर्जी उसकी तरफ़ फेंकोगे ना पॉजिटिव वही आपको पलट के जो है वो मतलब जैसा आप अच्छा करोगे तो वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है कि वो भी आपको रिस्पॉन्स करे मतलब आप पॉजिटिव अगर भेजोगे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा नेगेटिव अगर आप कर दोगे तो हो सकता है गुस्सा हो जाए तो ये चीज़ है ये बिल्कुल इंतजार में बैठे हुए हैं जो कोई भी है और आपका यहाँ यहाँ ये पर्पस ये भी दिख रहा है उस व्यक्ति के लिए कि वो व्यक्ति जो है आ, कुछ नया अपने लाइफ में आपको लेकर के शुरू करना चाह रहा है हो तो सकता है रिलेशनशिप हो या कुछ नया कुछ नई चीज़ हो जो अपने लाइफ में शुरू करने के लिए कोशिश कर रहा हो इसको ऐसा लगता है कि आप जो हैं एंजल से ब्लेस्ड हैं चेरिश्ड हैं ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर तो इसका एक पर्पस ये भी दिख रहा है कि वो इसके आपका हाथ थामना चाह रहा है उसको भी सपोर्ट चाहिए कि उसके लाइफ में थोड़ा सा डिस्ट मैंने आप लोग बताया ना कि बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ऑक्यूपेशन को लेके अपने 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 अपनी लाइफ को लेके लव लव लाइफ को लेके और यहाँ पे ये भी मैसेज है इसका जो पर्पस है आपके बारे में इसलिए सोच रहा है क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं किसी जर्नी पे इंजॉय करने के लिए भी वो सोचता है वो सोचता है कि अगर इनका हाथ पकड़ लो तो मुझे ब्लेस्ड हो जा हो जाऊँगा कुछ नई चीज़ मेरे लाइफ में शुरू होगा शायद कुछ नया हो जाए मेरे लाइफ में वो, मेरी जो बोरिंग सी लाइफ है और यहाँ पे आ, उसको ये भी उम्मीद है कि कही कहीं ना कहीं आप जो हैं वो बहुत ही एग्जैक्टली exactly आप आ, हिलते नहीं हैं आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया उसको ऐसा लगता है कि आप बहुत सेल्फ डिटर्मिंड हैं एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो जल्दी जो है वो आप उसको तोड़ते नहीं हैं ब्रेक नहीं करते उसको ये भी उम्मीद है तो हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर भी एक चीज़ सोच रहा हो वो और उसको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई खजाना है वो जो उसको चाहिए जो उसको चाहिए सपोर्ट हेल्प लव अफेक्शन उसको ये एज ऐसा खजाना लगता है लेकिन आपकी तिजोरी खुल नहीं पा रही है तो वो जो है कहीं ना कहीं आपसे ये सब चीज़ें चाह रहा है आपको चाहता है वो कहीं ना कहीं कि आप उसको ये चीज़ें प्रोवाइड करें हेल्प सपोर्ट उसके लाइफ में कहीं कही ना कहीं हो सकता है ऑक्यूपेशन में भी उसके हाथ बटाएं बिजनेस में कैसे भी करके उसको एडवाइस दें या किसी और के थ्रू उसको जो है हेल्प करें उसको उम्मीद बहुत है इन सब चीज़ों की तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि वो व्यक्ति कौन है और यहाँ पे बहुत क्लियर यहाँ पे मैसेज है सो लेट सी आई विल स्टार्ट विद द थर्ड ब्रेसलेट देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज है और वो कौन व्यक्ति है जिसने जो आपके बारे में सोच रहा है और क्यों सोच रहा है क्या पर्पस क्या है उसके सोचने का मैं जानना चाहूंगी कि कैसे उसको पहचाना जा सकता है ये जो व्यक्ति है जो आपके बारे में सोच रहा है ये ये अपने लाइफ में ना जो भी ये सोचता है कि जो मैं डिसीजन लेता हूँ अपने लाइफ में वो बहुत सही है मेरे आगे जो है सब आ, मतलब मैं बहुत सही हूँ मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है ये और ये भी सोचता है कि आ, मेरी जर्नी में इसकी जो लाइफ की जो जर्नी है वो बहुत रुक रुक के रुक रुक के चलती है कहीं ना कहीं रुक जाती है लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है उसको कि मैं जो डिसीजन लेता हूँ वो सही है लेकिन क्या है कि मेरी लाइफ में ना ऑप्सटिकल्स बहुत हैं ये उसकी मंशा यहाँ पे दिख रही है इसकी इसकी पहचान है ये कि कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं और ये बहुत ज़्यादा चाहता है कि मेरा जो पास्ट और प्रेजेंट है वो सब कुछ क्लीन हो जाए कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने की बहुत कोशिश करता है ये और क्लीन करने की कोशिश करता है ये कि, कि किसी तरीके से जस्ट कई लोग होते हैं ना कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने लिए कुछ जैसे कि उसको परवाह रहती है कहीं मुझे नज़र तो नहीं लग गई तो लाओ थोड़ा सा जो है वो नज़र उतारने वाला उपाय भी कर लें थोड़ा सा हो सकता है इन सब चीज़ों पर उसका विश्वास है और अपने आर्म हमेशा खुले रखता है ये मतलब आप समझ लीजिए कि ये हेल्प भी करता है और लेकिन हेल्प तो करता है लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम खुला छोड़ दिया कि अपने आप का सारा नुकसान कर बैठे ऐसा नहीं है मान लीजिए अगर दस चीज़ें अगर अगर इसके पास हैं तो दो तीन देगा बाकी अपने पास रखेगा क्योंकि ये प्रोटेक्ट भी करके चलता है अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके चलता है और कई बार लोग क्योंकि ये इसमें दिख रहा है कि ये अपनी पर्सनल बाउंड्रीज बहुत बना के चलता है कहीं ना कहीं ये झेल चुका है अपने लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं ना उनसे ये काफ़ी झेल चुका है शायद इसीलिए बाउंड्रीज बना के चलता है अपने लाइफ में मर्यादा इतने ही तक इतने ही लोगों से बातचीत करूँगा उन्ना नहीं करूँगा या करूँगी इतने ही लोगों से बातचीत करूँगी सोशल बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है ये और अपनी इज्जत उसको बहुत प्यारी है क्रिएटिव है ये बहुत अपनी इज्जत करवाना ये जानता या जानती है और बहुत क्रिएटिव माइंड है ये पर्सनैलिटी वाइफ तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा है जो कभी ये सोच रहा है और लापरवाह बिल्कुल भी नहीं है काफ़ी अच्छा है, इसमें क्वालिटीज दिख रही हैं लेट्स सी कि उसको और कैसे पहचाना जा सकता है इसकी माँ जो है वो बहुत मैच्योर है वो खुद भी बहुत मैच्योर है जैसे कि मैं बता रही हूँ ना ये लापरवाह बिल्कुल भी नहीं है इसकी माँ बहुत मैच्योर है या बड़ी दीदी इसके घर में हो सकती है वो बहुत मैच्योर है इसकी वजह से इसके अंदर भी बहुत मैच्योरिटी है और ये व्यक्ति जो है ये इसको पता है कि इसकी ज़िंदगी में गलत लोग कौन हैं ये एक बार पीछे मुड़ के अगर देख ले तो सारी पोल खुल के आ जाएगी तो इसीलिए ये व्यक्ति बहुत चौकन्ना भी रहता है अलर्ट बहुत है इसका खुद का अपना घर है और या फिर ये घर लेने की कोशिश कर रहा है और ये शादी भी करना चाहता है किसी से आ, बिल्कुल फाइनल मतलब ये नहीं कि अफेयर कर रहे हैं कई साल तक वही ये वो ना बिल्कुल भी नहीं जैसे डिसीजन लिया उसको उसको लगता है मैंने जो डिसीजन लिया वो सही है और बस घर लो और किसी एक एक से शादी कर लो और उसके साथ प्रेम पूर्वक रहो सोचता बहुत है मतलब आप समझ लीजिए कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा मेरा लाइफ पार्टनर वैसा होगा ये चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो ये जो कोई भी है जो आपके बारे में सोच रहा है ये सोचता बहुत है सोचती बहुत है अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कि ऐसा होगा वैसा होगा हम दोनों ऐसे गार्डन में घूमेंगे ऐसे वहाँ मार्केट में या मॉल में जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे एक साथ बैठेंगे हनीमून के लिए जाएंगे पूरी प्लानिंग इसकी रहती है माइंड में और ये बहुत ही पैसे वाला इंसान है वेल्दी है ये वेदर इट इज़ अ फीमेल और मेल ये कोई भी है जो कोई भी है ये जो कोई भी आप अगर आप मेल हैं और ये देख रहे हैं वीडियो तो अगर आप बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी जो यहाँ दिख रहा है जो जो अगर कोई सोच रहा है आपके बारे में कोई फीमेल मान लीजिए तो वो बहुत ही अच्छे और परिवार की कोई है जो आपके बारे में सोच रही है अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए यहाँ मैसेज आ रहा है कि मेल जो है वो बहुत ही वेल्दी इंसान है और काफ़ी समझदारी से काम करने वाला है मैच्योर है और वेल्दी पर्सन है मतलब थार्ड पार्ट से रहता है कोई ये नहीं कि आपको को दिखेगा कि हाँ बहुत लापरवाही से ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है इसका पर्पस देख लेते हैं कि क्यों सोच रहा है ये आपके बारे में हालांकि इसका पर्पस यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि बिल्कुल फुल एंड फाइनल फाइनल करने वाला डिसीजन लेने वाला आदमी है ये या एक लेडी है ये बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है पर्पस एक बार मैं देख लेती हूँ कि आपके बारे में क्यों सोच रहा है या सोच रही है जो कोई भी है आपके बारे में यहाँ ये मैसेज आ रहा है इसके सोचने का कारण जो है ये जो व्यक्ति है जो कोई भी है ये इसका जो पर्पज यहाँ दिख रहा है एक तो ये आ, ये ये सोचता है कि हम दोनों के बीच में यानी कि आप और उसके बीच में जो भी आ, एक होता है ना बाधाएं कंट्रोल वो ख़त्म हो जाए उसको लगता है कि हम दोनों जो हैं वो कहीं जाएं जर्नी पे जाएं कहीं पे घूमने फिरने जाएं थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो करके एज अ फ्रेंड केवल केवल ये नहीं कि एज अ वो आपको कोई जिंदगी भर के लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहा हो ऐसा नहीं दिखता है लेकिन एक ओपन माइंडेड उसका यहाँ एटीट्यूड दिख रहा है कि वो आपके बारे में ऐसा यहाँ पे दिख रहा है जो पर्पज़ है वो ये है कि एक, आ, सारे बंधन छोड़ दो और बस कहीं घूमने निकल जाओ ये इसका यहाँ पे पर्पज़ दिख रहा है कहीं ना कहीं घूमने की इसकी इच्छा है आपके साथ यहाँ ये भी मैसेज है कि इसका जो पर्पज़ है आपसे आपके बारे में सोचने का इसको लगता है कि आप एक बहुत ही वाइज लीडर हैं लीडिंग पावर आपके अंदर बहुत अच्छी है इस क्वालिटी की वजह से क्योंकि देखिए ये खुद भी एक लीडिंग क्वालिटी रखता है जैसे कि मैंने बताया ना कि इसका जो पर्सनैलिटी वाइज ये बहुत अच्छा व्यक्ति है और आपको एक एज अ लीडर देखता है वो भी बुद्धिमान लीडर ऐसा ऐसा लीडर नहीं मतलब एक्शन एक्शन लेने वाला एक्टिव लीडर तो हो सकता है आपके अंदर क्वालिटीज़ हो जो उसको नज़र आती हों और इसलिए आपके आपके साथ वो कांटेक्ट में है और सोच रहा है आपके बारे में और यहाँ वो ये भी जानता है कि ये आपकी क्वालिटीज़ को देख रहा है एक्चुअली यहाँ पे कि आप जल्दी किसी से जो है कहीं प्रॉब्लम में अपने आप को फंसाते नहीं हैं आप पहले ऊपर ऊपर से देखते हैं तब कुछ बोलते हैं ये क्वालिटी उसको दिख रही है वहाँ पर ऐसा होता है ना कई लोग अब बेवजह लड़ाई झगड़े में पड़ किसीू में पड़ जाते हैं ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जाने की लेकिन फिर भी लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है और इस व्यक्ति को ये नज़र आता है उसको नज़र आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और यहाँ यहाँ यह भी मैसेज है कि उसको बहुत उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है वो प्रेम की भावना उसके लिए जागृत होती है इसीलिए शायद उसको वो कॉन्टैक्ट कर रहा है आपके बारे में सोच रहा है कॉन्टैक्ट इसमें तो हो सकता है कि आपसे बातचीत होती हो ना होती है लेकिन वो यहाँ ये सोच रहा है कि आपके अंदर प्रेम की भावना है दूसरों को प्रेम देने की भावना है तो इसीलिए शायद उसको कहीं ना कहीं उसको एक लालच भी हो सकता है कि इसलिए वो शायद आपके बारे में सोच रहा हो यहाँ ये बात वो जानता है कि हमें अपने रिलेशनशिप को बहुत ही धैर्यपूर्ण मतलब पेशेंस रख कर के थोड़ा सा टाइम दे करके तब जो है हमें आगे अपना रिश्ता बढ़ाना चाहिए ये मैंने बोला ना ये व्यक्ति बहुत लापरवाह नहीं है जल्दबाजी में काम नहीं करता सोचता समझता है तब कुछ कोई चीज़ करता है तो हो सकता है ये व्यक्ति बहुत ही आपके साथ सोच समझ के कुछ बोले या आपको टाइम देगा देखेगा आपको ऑब्ज़र्व करेगा कि हाँ वाकई में आपके मन में आप कुछ है उसके लिए कि नहीं और फिर एक यहाँ पे इसको उम्मीद एक ये भी है जो ये सोचने की वजह दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं नया शुरू करने की कोशिश करता है करना चाहता है आपके साथ न्यू बिगनिंग का कार्ड है जो कि बहुत अच्छा होता है उसको लगता है कहीं ना कहीं हम बात बढ़ेगी आगे क्योंकि कहीं ना कहीं, कहीं उसको लगता है कि प्यार है आपके अंदर और ये सब चीज़ें उसको उम्मीद है उसकी नज़र से अगर देखा जाए तो उसको लगता है कि टाइम थोड़ा सा देना चाहिए रिश्ते में थोड़ा सा हमें बातचीत करना चाहिए फैमिली को थोड़ा सा पहचानना चाहिए और एक सही समय पे जाकर के हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ फाइनली जो है इसको उम्मीद है कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग के साथ आपके साथ कुछ नया रिश्ता निभाने के एक होता है ना कि अभी तक तो आप फ्रेंड्स की तरह रह रहे थे या जैसे भी हो लेकिन इसको बहुत उम्मीद है कहीं ना कहीं कही, नई तरीके से जिंदगी कहीं ना कहीं कही शुरू हो की जा सकती है आपके साथ ऐसा उसका पर्पस यहाँ दिख रहा है तो आई थिंक आपको पर्पस समझ में आया होगा और ये व्यक्ति कौन है ये भी समझ में आया होगा जो आपके बारे में सोच रहा है उसका पर्पस क्या है आपके बारे में सोचने का तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम माई डिवाइन एनर्जी इज थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल माई व्यूर्स वो कंटिन्यूअसली वॉच माई माई वीडियोज़ की सेशन मैं आप ही के लिए लेके आती हूँ सो लेट्स एन्जॉय योर लाइफ एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच